तो दोस्तों एमवी बंटाई का सॉन्ग थैंक्स टू माई हेटर्स आज उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दिया जा चुका है। और दोस्तों ये सॉन्ग रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा और पब्लिक को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। दोस्तों मचाएंगे 4 के बाद एमवी का ये पहला सॉन्ग है जो कि डिस सॉन्ग नहीं है लेकिन ये कहीं ना कहीं सबनिमल डिस है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एमवी बंटाई ने थैंक्स टू माई हेटर सॉन्ग से रफ्तार और कृष्णा को क्या रिप्लाई दिया है। तो इसलिए दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों एमवी बंटाई ने अपने इस सॉन्ग में मचाएंगे 4 सॉन्ग की वीडियो क्लिप यूज की है, तो वहां पास उन्होंने क्या लाइनें बोली आप खुद सुन लो। धीरे धीरे पहुंचा मंजिल के पास पे समझा मैं इन लोग से कितना हूँ दूर। नीचे गिरा नहीं ये करे दुआ लेकिन इनकी दुआएं ना होती कबूल। राजा वो सीन का भिड़ेगा कैसे बंटा आए लाया करने को रूल। हारा नहीं कभी भी किसी से जब भी भिड़ेगा किसी से ये। तो दोस्तों ये लाइन सुनकर मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि एमवी बंटाई ने रफ्तार और कृष्णा को ही रिप्लाई दिया है। फिलहाल ये तो मेरी थिंकिंग है, आपका क्या है कहना प्लीज हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन पर लिख भेजिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगली अपडेट है एमसी स्टैन की तरफ से, वो हिंदुस्तानी भाव के साथ नजर आए हैं तो छोटी सी वीडियो क्लिप भी आप देख लीजिए। आदित्य जो भी कर रहा सही है, तेरे डैड बहुत सही जा रहे ले ब्रो, तू सिर्फ चलते रहे। तेरे डैड का सुन किसका मत सुन ब्रो, लव यू बहुत प्यार तेको एड़ा भगा एड़ा भगा बोलता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने मिलते अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स आसान से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।